एक इसकी क्रेस्पेस दिखा रही हूँ, देखिए आपको देख के ही लग रहा होगा कि बहुत बेहतरीन है। और मैं तोड़ के अंदर से भी दिखा रही हूँ, बहुत गर्म है, देखिए एकदम अंदर अंदर कुक हो चुका है और इसका इतनी बेहतरीन आ रही है खुशबू और टेस्ट, तो पूछना ही नहीं है। बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश और हम भी किचन में झटपट बना के खुश। तो इतनी बेहतरीन घर के सामानों से बनी है परफेक्ट नाश्ते, चाय पे एंजॉय करिए या कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे तो ये झटपट बनाइए। तो चलिए देखते हैं रेहाना किचन में कितना बेहतरीन बन रहा है। चाय के नाश्ते के लिए हम बनाएंगे परफेक्ट रेसिपी। तो जिसके लिए मैंने दो प्याज मीडियम साइज के और छोटे छोटे मेरे पास आलू थे तो मैंने चार आलू ले लिए हैं। आपके पास बड़े हो तो कम ज़्यादा कर सकते। और ब्रेड है तो ब्रेड का मैं ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट या कोई सा भी हो तो मैं सिर्फ दो ब्रेड से बनाऊंगी। ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनने वाली है। तो सबसे पहले हम प्याज को छील लेते हैं और आलू को। फटाफट हमने आलू और प्याज को छील लिया है। आलू को पहले हम साइड में करेंगे और प्याज को मैं इस तरीके से लेके और बिल्कुल पतला पतला हमें स्लाइस करना है, जैसे पकौड़े के लिए स्लाइस करते हैं ना, उसी तरीके से ठीक कर लेना है। तो इस तरीके से मैं प्याज को स्लाइस कर लेती हूँ। प्याज को इस तरीके से पतले स्लाइस में हमें कट करना हो और हाथों से इस तरीके से मच लेंगे तो एक एक लेयर प्याज के निकल जाते हैं। अब आई आलू की बारी। तो आलू को हम एक प्लेट में एक आलू रखेंगे। आलू को हमें कट नहीं करना है, कद्दूकस करना है। तो इस तरीके से स्लाइस जो मीडियम वाले होते हैं उससे हमें आलू को स्लाइस कर लेना है, इससे परफेक्ट नाश्ता बनेंगे। तो सारे आलू को हम इस तरीके से तो हमें कद्दूकस करना है इस तरीके से लच्छे वाले। तो हम इस तरीके से सारे आलू को कर लेते हैं लच्छे में। जैसे हम कद्दूकस कर लेंगे एकदम तुरंत ही हम पानी में इसे डाल देंगे, नहीं तो ये काला पड़ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जितना एक्स्ट्रा मॉइस्चर है जो माड़ वो निकल जाएगा। तो एक से दो पानी हम इसे धो लेते हैं। पानी धोने के बाद देख सकते हैं कितना लच्छे वाइट हो गए। तो ये तो आलू हो गए। बाउल्स में पानी लेंगे और दो ब्रेड है, एक ऊपर वाला और एक इस तरीके से। तो ब्रेड अगर आपके पास बच जाए तो उसको भी यूज कर सकते हैं। मैंने फ्रेश ब्रेड लिया है और इसको इस तरीके से इसका पानी है जो हम निचोड़ लेंगे। ये पानी में डालने के बाद एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसका सारा पानी हम निचोड़ लेंगे। तो ये इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले एक बाउल्स लेंगे और जो हमने प्याज को रखा है इस तरीके से हाथों से मसल देंगे, या प्याज को इसी तरीके से एक एक लच्छे निकले हुए हैं तो इसे हम डाल देंगे, क्योंकि पहले ही हमने एकदम बारीकी से काट रखा है। ये आलू के लच्छे हैं, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए इस तरीके से। तो इसको आलू को भी हम इसी के अंदर डाल देंगे। तरीके से सारे लच्छे ले लेंगे। ब्रेड को हमने पानी से निकाला था उसको भी इसी तरीके से निकाल लेंगे, रख लेंगे इसी में। कटा हुआ धनिया पत्ता ले लेंगे, बारीक कटा हुआ लेंगे। मिर्ची पाउडर 3/6 है, कुटी हुई काली मिर्च, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। सर नमक ग्राइंडिंग के लिए 1 चम्मच बेसन लेंगे, बहुत ज़्यादा बेसन नहीं लेना है। फ्लोर का आटा, अगर कल फ्लोर नहीं है तो आप चावल के आटे भी ले सकते हैं। अमचूर का पाउडर, इसे हमें हाथों से मसल लेना है। इतनी अच्छी नाश्ते ये बनेंगे फ्रेंड्स कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। कोई गेस्ट आए अचानक कुछ चटपटा खाने का मन करे चाय के साथ तो ये बिल्कुल झटपट बनने वाली हो और बहुत बेहतरीन। तो हाथों से हम अच्छे से मसलेंगे इसको। तो देख रहे हैं कितनी परफेक्ट हो रही है। इसमें हल्दी नहीं डालेंगे, अगर आप चाहें तो हल्दी डाल भी सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे हल्दी नहीं डालूंगी। तो देखिए ब्रेड की वजह से कितने अच्छे से मिक्स हो रहे हैं और बहुत टेस्टी होता है। बच्चों को दीजिए, बच्चे बहुत खुशी खुशी खाते हैं। इसको झटपट बन सकता है किचन के सामानों से। तो अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसे आप टिक्की का सेप, सिलेंडर का सेप, कोई सा भी देते हैं। तो मैं इस तरीके से सिलेंडर वाला सेप दूंगी, जो लंबे से होते हैं आप कोई सा भी दे सकते हैं। तो ये परफेक्ट हो जाते हैं फटाफट। तो इस तरीके से हम सारा बना लेंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए बहुत क्रिस्पी हम सूजी ले लेंगे और इस तरीके से एक उठाएंगे और इसे इस तरीके से सूजी से कोटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले आप फ्राई करने से पहले इस तरीके से हम सारा कर लेते हैं जिससे परफेक्ट नाश्ते होंगे।
सूजी से कोटिंग कर लेते हैं। इससे करने से नाश्ते में चार चांद लग जाएगा, बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो चलते हैं फटाफट गैस पे। हो गया है तो एक एक हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इस तरीके से हम इसमें के अंदर डाल देंगे। हाथों को बचा के करिएगा। पलट लेते हैं एक बार, आराम से पलटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पलट जाते हैं। और चारों तरफ से हमें अच्छे से सेकना है, मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे हम नहीं करेंगे इसे। तो देखिए कितने बेहतरीन हो रहे हैं। एक बार बनाइए, पूरे परिवार इतने खुशी खुशी खाएंगे और बार बार इस रेसिपी का आपसे डिमांड करेंगे, क्योंकि आलू सभी को पसंद है, ब्रेड भी पसंद है, बिल्कुल घर के सामान से बन जाते हैं आसानी से। और इसे हम पलट लेते हैं इस तरीके से। हमें फ्राई लो फ्लेम पे ही करना है, घबरा के नहीं करना है। कलर आ रहे हैं और टेक्सचर देख के ही समझ में आ रहे हैं, बहुत टेस्टी है। तो इसे हमें हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना है, लो फ्लेम पे ही करना है। तो देखिए कितना परफेक्ट हुआ है, हो चुका है। अब इससे ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, तो इस तरीके से कर लेंगे साइड से, ताकि एक्स्ट्रा तेल हो जो वो निकल जाए। देखिए कितना बेहतरीन हुआ है, इसी तरीके से निकाल लेते हैं। देखा ना रेहाना किचन में कितनी आसानी से बन गया एकदम बेहतरीन, घर पे पड़े सामानों से कुछ आलू और ब्रेड्स और एक प्याज, इतनी बेहतरीन। तो आप भी बनाइए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।